हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डैक्टिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अब आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, प्लस आपको लेकर अब इस पर्सन का क्या सोचना है। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे, अदरवाइज़ आप ये रीडिंग नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके अलग आपको उस थर्ड पार्टी का पता होना भी ज़रूरी है, यानी कि डाउट के बेसिस पर ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड या अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, चाहे फिर वो आपके केस में हो या थर्ड पार्टी के केस में ही क्यों ना हो। तो अभी देखने जा रहे हैं सबसे पहले कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का करंट में क्या सोचना है। देखिए, सबसे पहले नंबर मुझे आपके लिए यहाँ पे जुलाई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस थर्ड पार्टी के माध्यम से या आपके पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। सवाल है हमारा कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर अब करंट में क्या सोचना है। बेसिकली आपके पर्सन की इंट्यूशन, इनकी खुद की अंतर आत्मा, इनकी खुद की सोल, इन्हें ये बार बार मैसेज दे रही है थर्ड पार्टी के मामले में कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है, थर्ड पार्टी सही इंसान इनके लिए नहीं है। ये जितना भी तोड़ मरोड़ कर इस थर्ड पार्टी को सही तरीके से क्यों ना देख लें, सही इंसान बनाने की कोशिश क्यों ना कर लें, या सही क्यों ना इसके बारे में सोचने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ना वो बदलेगा या बदलेगी, या फिर ना तुम्हारी सोच उसको लेकर कभी भी सही हो पाएगी। जब वो गलत है तो गलत है। तो ऐसी आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें बार बार मैसेज दे रही है, यानी कि जब आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जिनमें से इन्होंने थर्ड पार्टी को अपना एक बेस्ट ऑप्शन समझकर सेलेक्ट करा। लेकिन सेलेक्ट करने के बाद इन्हें समझ में आया थर्ड पार्टी का दूसरा चेहरा, जो उसने कहीं ना कहीं अपने मुखौटों के पीछे छुपा रखा था, यानी कि ऊपर से बहुत मीठी है, अंदर बहुत ज़्यादा कड़वी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो आपके पर्सन जितने वक्त तक थर्ड पार्टी के साथ अब अकेले रह रहे हैं, ऐसे वैसे थर्ड पार्टी की असलियत, इसका चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ रहा है, इसका जो मुखौटा है वो आपके पर्सन के सामने खुलता हुआ नज़र आ रहा है इनको खुद को। और ऐसा भी देखो, थर्ड पार्टी कितने समय तक मीठी रहेगी, कितने समय तक ऐसी बनकर रहेगी कि ये इनका भला चाह रही है। जो जैसा है कभी तो उसका रूप आना है, जिसकी नेचर जैसी है वो कुछ वक्त तक अपने आप को बदल सकता है या बदल सकती है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, मैक्सिमम 5 साल वो अपने आप को उसी तरह से बनाकर रख सकती है दूसरे के मन मुताबिक, लेकिन उसके बाद उसकी लिमिट जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा थर्ड पार्टी के साथ हुआ और उसका मुखौटा खुलते ही आपके पर्सन को उसका असली चेहरा नज़र आया। किस तरह की है ये थर्ड पार्टी? काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग, काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर है इसकी, बार बार पे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है इस थर्ड पार्टी के, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, अपने आगे किसी को देखती नहीं है, बहुत दिमाग से चीज़ों को डील करती है, हर वक्त बस षड्यंत्र बनाती रहती है, हर वक्त बस दूसरों की लाइफ में रोड़े डालती रहती है, दूसरों की बुराइयां करती रहती है, या फिर हर वक्त इसके साथ तू तू मैं ही चलती रहती है आपके पर्सन की। घर में कभी भी शांति का माहौल नहीं रहता, हर वक्त कलह कलेश लगे रहते हैं इस थर्ड पार्टी के। तो थर्ड पार्टी का जो एक्चुअली में मुखौटा है, जो कभी एक वक्त पे आप उतारना चाह रहे थे, वो मुखौटा थर्ड पार्टी ने खुद ब खुद उतार रखा है, ये चीज़ें दिख रही हैं। और आपके पर्सन को इसका असली चेहरा दिख रहा है अब करंट में। और इसका असली चेहरा ये है कि जितनी भोली ये बनकर रहती थी, जितना आपके पर्सन को ये दिखाती थी कि ये तो बहुत सीधी है, बहुत इनोसेंट है, इसने कुछ गलत करा नहीं है, वही इसका असली रूप जो है आपके पर्सन को एक्चुअली में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा रूप है इसका नेचर, बिहेवियर इसका, ठीक है।
तो वो चीज़ है। जैसे कि होता है ना कि इंसान का बिहेवियर, उसका नेचर थोड़ी बदल जाएगा, कपड़े बदल जाएंगे, चेहरे का रूप रंग बदल जाएगा, लेकिन जो अंदर की सोल है गंदी है तो वो तो वैसी रहेगी। करप्ट नेगेटिव जो सोल है वो तो वैसी रहेगी। तो वो असलियत आपके पर्सन के सामने, थर्ड पार्टी के सामने आई हुई है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने अपने हक में चीज़ों को करने के लिए काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स को लाया भी है, चाहे फिर उसमें आप ही क्यों ना हो। तो ये आपके पर्सन का भी इस थर्ड पार्टी को लेकर करंट में सोचना है, ठीक है। और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टेम्पटेशन के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर अब करंट में क्या सोचना है, गाइड कीजिए, बताइए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो बेसिकली अब आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर ये तो समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है। यानी कि आपके पर्सन उसकी लाइफ में एक ऐसे पेड़ थे जो इन्हें पैसा दे रहे थे, ठीक है। इस थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपने से प्यार है, पैसे से प्यार है, अपनी इंडिपेंडेंसी से प्यार है। उसे कोई मतलब नहीं है कि अगला उसके इस बिहेवियर से कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है या कर रही है, ऐसा अब आपके पर्सन का सोचना है। यानी कि थर्ड पार्टी के सारे रूप रंग, सारे चेहरे, इसका सेल्फिश बिहेवियर, ये सब धीरे धीरे करके आपके पर्सन के सामने आता जा रहा है, जो चीज़ें आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं। यानी कि थर्ड पार्टी ने अपनी आपको खुश रखने के लिए कहीं ना कहीं औरों के लिए आपके पर्सन के मन में जलन पैदा कर दी, ऐसा आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर सोचना है, फिर चाहे उसमें आप ही क्यों ना शामिल हों, ठीक है। कि ये सिर्फ ये चाहती थी कि आपके पर्सन बस इसके बनकर रहें, इससे प्यार करें, जैसे ये खुद अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और इसी के चलते इसने बहुत सारे षड्यंत्र खेले, बहुत सारे चेहरे अपने छुपा कर रखे हैं। तो ऐसा आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर सोचना है। डिसेप्शंस एंड एनवी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, फोर ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली आपके पर्सन को जैसे जैसे इस थर्ड पार्टी की असलियत, इसका असली चेहरा दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की रातों की नींदें उड़ती जा रही हैं। इनका दिल जो है कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा है कि ये इस थर्ड पार्टी को पहचानने में गलत साबित हुए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी रेस्टलेस नाइट दे रही हैं। यानी कि ये बात सोच सोच कर रातों को सो नहीं पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनके लिए एक ऐसा घोंसला बनाया था जो बाहर से तो डेफिनेटली एक घर दिख रहा था, एक परिवार दिख रहा था, लेकिन जब ये अंदर जाकर बैठे तो उस घोंसले में सिर्फ और सिर्फ कांटे निकले, इसके षड्यंत्र निकले, इसकी चालाकियाँ निकली, इसका झूठा चेहरा निकला है। तो ऐसा आपके पर्सन का भी थर्ड पार्टी को लेकर सोचना है, ठीक है। जो चीज़ें कभी एक वक्त पे आप अपने पर्सन से कहते होंगे ना कि भाई थर्ड पार्टी ऐसी है एंड ऑल, तो वो चीज़ें आपके पर्सन को खुद ब खुद दिख भी रही हैं और खुद ब खुद उन्हें वो झेलते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अब अपने आप को काफ़ी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब इस थर्ड पार्टी से अपने कोई भी दिल की बातें शेयर कर भी इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि ये मुंह पे कुछ और है, अंदर खाने कुछ और है। पूरी की पूरी तरह से स्प्लिट पर्सनैलिटी है, यह सारी चालाकियाँ इसे आती है, ऐसा अब आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर सोचना है। और यही सोच अब आपके पर्सन को सोने नहीं देती, शांत इनके मन को करने नहीं देती है, वो यहाँ पर है। पावर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, गाइड कीजिए। द एम्परर, तो देखिए आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर इतना तो समझना हो गया है कि ये थर्ड पार्टी के सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे हैं। जब थर्ड पार्टी को इनकी ज़रूरत है तो थर्ड पार्टी इनका इस्तेमाल करती है मोहरे की तरह, और जब थर्ड पार्टी को अपने आप को डिफेंड करना होता है तब भी ये आपके पर्सन का ही इस्तेमाल करती है एज अ मोहरा। तो ये आपके पर्सन का सोचना है थर्ड पार्टी को लेकर। आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी को लेकर ये सोचना था कि ये इसके साथ एक टीम में काम कर रहे हैं, यानी कि ये लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एक दूसरे का भला चाह रहे हैं। लेकिन अब आपके पर्सन की आँखें इस चीज़ को लेकर तो खुल गई कि जी नहीं, ऐसा कुछ टीम वीम तो है ही नहीं, यहाँ पर बॉस है ये थर्ड पार्टी और ये उसके एज अ एम्प्लॉई हैं, एज अ सर्वेंट हैं, उसके अलग और कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन ये
काम भी कर रहे हैं ना, वो थर्ड पार्टी की अथॉरिटी में आकर कर रहे हैं, उसकी पावर के अंडर कर रहे हैं, तो ऐसा आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी को लेकर चलता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ऊंची है इनसे। ये सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी और ये दोनों बैलेंस्ड में हैं, बैलेंस्ड एनर्जी हैं, दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। उन चीज़ों की क्लियरिटी आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी को लेकर तो काफ़ी हद तक हो गई है। चूज़ वाइजली के मामले में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, गाइड कीजिए। जस्टिस, तो बेसिकली आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर ये सोचना है कि जो मेरे साथ हो रहा है, बेसिकली हो तो वही रहा है जो मैंने दिया, मतलब मैंने जो जिस तराजू में मैंने जो रखा, मुझे अल्टीमेटली वही नसीब हो रहा है। मैंने थर्ड पार्टी को भी तो कहीं ना कहीं बहुत दिमाग लगाकर, बहुत स्ट्रेटजीज़ बनाकर, बहुत कैलकुलेशंस के हिसाब से सेलेक्ट करा था कि ये थर्ड पार्टी मेरे कितने फ़ायदे की है, कितना मुझे फ़ायदा दे सकती है। और सेम थर्ड पार्टी ने भी इन्हें इसी वजह से सेलेक्ट करा कि ये पर्सन मेरे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने भी तो पूरी PhD करके थर्ड पार्टी को काफ़ी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मानकर सेलेक्ट करा, तो थर्ड पार्टी ने भी वही करा, तो उस चीज़ की जिम्मेदारी ये सारी की सारी है, उस चीज़ का ब्लेम सारा का सारा ही उस पर क्यों थोप रहे हैं। जो दिया वो मिला, वो चीज़ें अब आपके पर्सन के मन में चलती हैं इस थर्ड पार्टी को लेकर कि यही मेरा न्याय है, इसी तरह से मुझे बैलेंस मिल रहा है इस थर्ड पार्टी के मामले में। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है थर्ड पार्टी को लेकर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली आपके पर्सन को ये तो समझ में आ गया है थर्ड पार्टी के साथ रहकर कि ये इसके साथ एक ऐसे रिश्ते में है जिसमें एक तरफ से दिया जा रहा है, दूसरे तरफ से कुछ भी नहीं, इस रिश्ते को सपोर्ट, प्यार, फाइनेंशियली बेनिफिट कुछ भी नहीं दिया जा रहा। यानी कि आपके पर्सन इस रिश्ते में जो भी दे रहे हैं वो दे रहे हैं, थर्ड पार्टी सिर्फ इनका फ़ायदा ले रही है और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है। और इन्हें ये समझ में आ गया ये इसके साथ ऐसे ही रिश्ते में है जिसमें यही सब चीज़ें कर रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं कर रही है। और आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ गए इसलिए थे कि भाई दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, सब एक टीम वर्क में काम करेंगे, लेकिन आपके पर्सन को इतना भी समझ में आ गया है कि यहाँ पर टीम वर्क में काम नहीं करा जा रहा, काम सिर्फ आपके पर्सन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिर्फ देख रही है कितना काम हुआ है, मतलब एक बॉस की एनर्जी में है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जब जब कोई दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उसमें आपके पर्सन को ही दबना पड़ रहा है, उन्हें ही इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए मैनेज करना पड़ रहा है, रास्तों को बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज थर्ड पार्टी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, उसका इस रिश्ते में किसी भी तरह से देने वाली एनर्जीज़ आपके पर्सन को अब फील या महसूस नहीं होती है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन का अब आपको लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का, व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या सोचना है, गाइड कीजिए बताइए। सीक द ट्रूथ, जस्ट ब्रीथ, लिसन। भाई देखो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं कि अब आपके पर्सन ना अपनी इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी सोल को, अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हैं। चेंज योर फोकस, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अब आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि इन्होंने जो अपना फोकस आपसे चेंज कर लिया था, आपसे अपना ध्यान इन्होंने हटा लिया था, आपसे एकदम डिटैच्ड जो हो गए थे, उसके बाद इनके साथ जो भी हुआ है ना वो चीज़ें ये डिज़र्व करते थे, यानी कि वो इनके साथ होना ही चाहिए था, ऐसा अब आपके पर्सन को लगता है। इन्हें पर्दे के पीछे की सारी सच्चाइयाँ दिख गई हैं, कौन अपना है, कौन पराया, कौन झूठा, कौन सच्चा, कौन कितना इस रिश्ते में इन्हें देना चाहता था या चाहती थी, और कौन इनसे सिर्फ और सिर्फ
ले रहा है या ले रही है वो सब चीज़ों की सच्चाई या तो इन्हें हो गई है या उन सच्चाइयों को ढूंढने की क्यूरियोसिटी इस पर्सन के मन में अब जाग रही है, जो पहले कभी जाग नहीं रही थी। जो पहले आप कह रहे थे, समझा रहे थे कि भाई देखो, ध्यान से चीज़ों को देखो, तुम्हें बहुत कुछ दिखेगा, तो वो अब दिख रहा है और देखने की क्यूरियोसिटी भी अब इस पर्सन के मन में जाग रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना वापस से आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब जैसे जैसे सच्चाई समझ में आ रही है, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, और ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस की सुनकर अपनी उन गलतियों को सही करना चाहते हैं। आपके मामले में जो भी ये झूठ बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे, ब्लेम्स लगा रहे थे, आपको अपने आप से दूर धकेल रहे थे, डिटैचमेंट का मैसेज आप तक सेंड कर रहे थे, वो ये चीज़ें एक अटैचमेंट की तरफ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या आप तक वो मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं। इनका फोकस जो कभी एक वक्त पे थर्ड पार्टी की तरफ था, वो आज की डेट में आपकी तरफ ही है, ये यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अब आपके पर्सन डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी को लेकर जितने क्लियर हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी इन्हें आपको लेकर भी हो रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ रहकर अब आपके पर्सन डेफिनेटली सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, ये एनर्जीज तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऑलरेडी अवेयर हो गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करके कहीं ना कहीं बहुत गलत कदम उठा लिया, बहुत गलत स्टेप उठा लिया। इसमें इन्होंने आपको तो फ्री कर दिया, अपने आप को स्टक कर दिया, तो ऐसा अब आपके पर्सन के मन में चलता है आपको लेकर। चलिए और देखते हैं सीक द ट्रूथ के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स, तो बेसिकली अब आपके पर्सन का आपको लेकर जो भी सोचना है ना, वो चीज़ें इन्हें सोने तो नहीं देती हैं। यानी कि जैसे जैसे सच्चाइयाँ खुल रही हैं, सच्चाइयों के पन्ने खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस पर्सन की रातों की नींदें उड़ती जा रही हैं, वो चीज़ें हैं। यानी कि ये पर्सन वैसे वैसे एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखो जो सच्चाई इस पर्सन के सामने आ रही है ना, वो सच्चाई ऐसी है जो इस पर्सन को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है। वो सच्चाई ऐसी है जैसे कि एक भरोसा इनका टूट हो, चूर चूर हो गया हो, और एक ऐसी सच्चाई जैसे कि जो जब आई ना सामने, तब तक बहुत कुछ गवा दिया। तो वो चीज़ें ना इन्हें रातों को सोने नहीं दे रही हैं, वो चीज़ें इन्हें एक अजीब सी घबराहट फील करा रही हैं, और साथ में ये एहसास दिला रही हैं कि इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने अब सच्चाई ना जानने के चक्कर में आपका साथ इन्होंने छोड़ दिया। तो वो चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं, ये यहाँ पर है। जस्ट ब्रीथ के मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है व्यूअर्स को लेकर। जस्ट ब्रीथ के मामले में गाइड कीजिए, बताइए क्या सोचना है इनका। टेम्परेंस, तो बेसिकली इस पर्सन के मन में अब ये चीज़ें चलती हैं आपको लेकर कि अब अगर ये एक शांतिपूर्वक सांस ले पाएंगे ना, शांति से सांस ले पाएंगे या हील हो पाएंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही हो पाएंगे, आप में मर्ज होकर ही ये शांत रह पाएंगे। तो वो इस पर्सन का सोचना है आपको लेकर, यानी कि जो एक बैलेंस ये अभी थर्ड पार्टी के साथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार, सपोर्ट, हीलिंग वाइब्रेशन, या अपने मन को जो शांत करने की चीज़ें ये थर्ड पार्टी के साथ जो एक वक्त में ढूंढ रहे थे, वो चीज़ें अब इन्हें आप में दिखाई दे रही हैं, आपके साथ में दिखाई दे रही हैं, या आप में आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उस रिश्ते से उम्मीद के तौर पर दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, लिसन के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, बताइए। बेसिकली भाई देखो, ये पर्सन इतना तो समझ रहे हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, वो मेरे को मेरे कर्मा के तौर पर दिया जा रहा है। थर्ड पार्टी मेरे साथ जो भी जैसे भी कर रही है, वो मैं डिज़र्व डेफिनेटली करता था या करती थी। तो इस पर्सन के मन में ना ये चीज़ें बार बार शोर करती हैं, इनका मन ना बार बार ये चीज़ें इनसे बोलता है, इनके दिमाग में ये चीज़ें बार बार चलती हैं। ठीक है, यानी कि वो सच्चाई बार बार अब इस पर्सन के दिमाग में चलती है, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना कुछ और सुन ही नहीं पा रहे हैं, कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, ये है। क्योंकि ये जो भी सच्चाई इनके सामने आई है ना, बेसिकली इनके लिए बहुत बड़ी सच्चाई है, तो वही चीज़ें अब इनके मन में चलती रहती हैं।
जो बोओगे वो काटोगे, इस तरह के बातें जैसे अब इनके मन में चलती हूँ। पॉसिबिलिटी है इस तरह के अब कोटेशंस भी पढ़ने लगे हों, जैसे कर्मा के कोटेशंस और जैसे थोड़े मोटिवेशनल कोटेशंस वगैरह ये पढ़ने भी लगे हों, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। नर्चर के मामले में इनके मन में क्या चलता है व्यूअर्स को लेकर, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए द टावर। तो बेसिकली जब जब इस पर्सन को अब आपकी याद आती है ना, तो इनके मन में एक तूफान चलने लगता है, क्योंकि इन्हें पता है आप इनके लाइफ में इन्हें क्या दे रहे थे, आप इनके लाइफ में क्या थे, और आप अब भी अगर इनके साथ होते तो इनके लाइफ में क्या होता। तो वो चीज़ें इनके मन में एक तूफान चला रही हैं, क्योंकि बेसिकली आप इनकी लाइफ में एक अबेंडेंस के तौर पर थे, बैलेंस्ड एनर्जी थे, सुलझे हुए इंसान थे, किसी भी तरह का झूठा मास्क आपका नहीं था, जो मुँह पे है वो बोल दिया, ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो इन्हें ना ये चीज़ें समझ में आ रही है कि गुन्ने लोग जो होते हैं ना, जो मीठे लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने वाले होते हैं। एक वक्त पे भले इन्हें आपका मुँहफटपन बुरा लगता था, क्योंकि आप मुँह से जो भी आपके आया, जो सच्चाई आपके आई, आप बोल देते थे, लेकिन आपने मन में तो जहर नहीं घोला ना। तो उन चीज़ों की क्लियरिटी, उन चीज़ों का शोर इस पर्सन के मन में अब आपको लेकर चलता है, और इन्हें ये समझ में आता है कि इंसान ना मुंह पे बोल दे पर मन में कुछ ना रखे। तो अब इन्हें इन चीज़ों की वैल्यू समझ में आ रही है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। डिटैच के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है, गाइड कीजिए और बताइए डिटैच के मामले में क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का। फाइव ऑफ कप्स इन ओवरऑल एनर्जी है फोर ऑफ कप्स। इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं अब आपको लेकर कि अब अगर ये आपकी तरफ अपना ऑफर लेकर चलते हैं, फीलिंग्स बताते हैं आपको, तो आपका फोकस यहाँ पर चेंज हो चुका है किसी और चीज़ में। हो सकता है कोई थर्ड एनर्जी आ गई हो सकता है आपका परिवार हो, या आपने अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली इतने वक्त में कुछ तो अचीव करा होगा, उस तरफ आपका फोकस होगा। तो आप अब इनके ऑफर को ना तो देख रहे हो, ना देखना पसंद कर रहे हो, या फिर देख कर अब आप रिजेक्ट ही करोगे, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इवन ये पर्सन इस वक्त में ऐसी एनर्जी में है कि जो हो गया, जो मिस्टेक हो गई, जो गलतियां हो गई, उस पर ज़्यादा इनका ध्यान है, उस पर ज़्यादा ये फोकस लगा रहे हैं, और उसी रीज़न की वजह से इस वक्त में ऐसा समझ रहे हैं कि मेरी वो हालत हो गई है, बिना आत्मा का एक शरीर, एकदम एक हैंगर पे बस जैसे टंगे हुए हैं। तो वो इनका सोचना है, ठीक है। इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि आपसे डिटैच्ड होकर अल्टीमेटली इन्होंने अपनी ज़िंदगी में से सब चीज़ों को डिटैच्ड कर दिया, सब चीज़ों को दूर कर दिया है। तो वो चीज़ें अब इनके मन में चलती हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि चलिए ये तो मैंने माना कि आप लोगों के बीच में अब इनका ये सोचना है थर्ड पार्टी को और आपको लेकर। ये देख लेते हैं यस और नो से कि क्या थर्ड पार्टी अब आप लोगों की सिचुएशन में से जाएगी या नहीं, चाहे ये छोड़े या वो खुद से चली जाए। द मैजिशियन, क्या थर्ड पार्टी व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में से अब जाएगी या नहीं जाएगी, गाइड कीजिए। द एम्परर, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द एम्प्रेस, तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लेवल पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जी हाँ, आप लोगों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो बेसिकली चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, आपके पर्सन खुद से इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो एम्परर का राइट इन्होंने इसे दे रखा था ना, वो एम्परर की एनर्जी में ये खुद से आएंगे, और उसके बाद ये डेफिनेटली अपने प्यार यानी कि आपकी तरफ, अपने अट्रैक्शन यानी कि आपकी तरफ ये डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के रिश्ते में एक मिरेकल ही होगा, एक मैनिफेस्ट जो होता है वही पॉजिटिविटी में साक्षात आपके सामने आएगा। ये चीज़ें हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी में से यहाँ पे से चली जाएगी, ठीक है। वक्त ज़रूर लगेगा, ऐसा नहीं कहूँगी कि कल परसों ही हो जाएगा, दो घंटे बाद ही हो जाएगा। ये सब चीज़ें बेकार की होती हैं कि दो घंटे बाद कॉल आ जाएगा, तीन घंटे बाद कॉल आ जाएगा, जी नहीं। जो है वो आपको बता रही हूँ कि समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें
तुरंत हो जाती हैं। जब चीज़ें खराब होने में समय लगा तो चीज़ें सही होने में तो और भी वक्त लग जाता है। चोट लगने में देर नहीं लगती, लेकिन चोट के सही होने में बहुत वक्त लग जाता है, यह आपको पता होगा। ठीक है, तो वक्त लगेगा और बहुत ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, ये है, बस आपके पेशेंस के ऊपर है, आपके मैनिफेस्टेशंस के ऊपर है। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद आती है तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।